हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीना है तो हंस के जियो, और जीवन में एक पल भी रोना ना, और हमेशा फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की डाली यूं से सीखो, सीखो शीश झुकाना, नम्रता में ही बड़प्पन है। और बच्चे, उसके साथ ही साथ आने वाले कल की तुम तकदीर हो मेरे बच्चे, और इंसानियत की बल पे इज्जत का ताज रखना, और तन मन की भेंट देकर पूरे भारत की लाज रखना। हमारे बच्चे, बताया गया है एक जगह संस्कृत में है कि विद्वत्तम च निरपत्वम च नयो तुल्यम कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। तो हमारे बच्चे, विद्वान की तुलना राजा से कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा की पूजा अपने देश में ही होती है और विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। तो हमारे बच्चे, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे कर्णधार हो, मंत्र एकदम बिल्कुल मन लगा करके पढ़ते रहना। आज ये हमारा दिगंत भाग दो से कक्षा बारहवीं के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे बच्चे, पद्य खंड में आज हमारा समापन वीडियो है, जो कड़बक मलिक मुहम्मद जायसी से लेकर ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखित जो कविता है गांव का घर, उसके जीवन परिचय के साथ साथ कविता का अवलोकन भी हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके साथ हमारे बच्चे, पहले मैं कवि परिचय के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे, बिल्कुल जस जस हमारी परीक्षा नजदीक आती जा रही है, कहीं अपने समय को बर्बाद होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान देना है। तो आइए बच्चे, वैसे मैं कवि का परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे लगभग ज्ञानेंद्र पति जो 20वीं सती के 8वीं दशक में उदित हुए थे हमारे ज्ञानेंद्र पति। तो हम वहाँ नहीं जाते हैं, इनके साहित्य का अवलोकन हम करेंगे। और बच्चे, पहले हम चलते हैं इनके जन्म के बारे में। तो पहले हमारा ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म है, जीवन परिचय के साथ साथ जन्म पहले जानना जरूरी है, जो कि विद्यालय बोर्ड, जो हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक बोर्ड में जन्म निधन रचना पुरस्कार माता पिता आदि से जरूर कोई न कोई प्रश्न टिपिकल क्वेश्चन बनकर हमारे आते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान लगाना है। समय तो जिंदगी भर घूमने को मिलेगा, लेकिन मन लगा करके हमारे बच्चे जहां भी रहे, बिल्कुल अब ध्यान आकर्षित अपने परीक्षा को लेकर करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए बेटा, ध्यान देना है। जन्म इनका 1 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था हमारे ज्ञानेंद्र पति का जन्म। कभी कभी पूछ देता है, 4 ऑप्शन जरूर पूछ देता है, और उसी में हमारे बच्चे याद रखेंगे। तो 1 जनवरी 1950, यदि नहीं याद होता है ज्ञानेंद्र पति का जन्म, तो ये जरूर जान ले रहेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा गणतंत्र कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लोग कहते हैं, हमारा इतिहास भी साक्षी है। तो उधर नहीं जाएंगे, लेकिन तो ये तो जरूर याद हो जाएगा कि 1 जनवरी, जहाँ 26 जनवरी है, वहाँ 1 जनवरी और 1950 एकदम याद हो जाएगा, जबकि संविधान का हमारा निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950। तो इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ है।
निधन के बारे में कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। इसका मतलब कि 1950 और 50-2023 अभी हमारे कवि जो हैं अभी जीवित हैं, अभी एक कवि का कोई जो है अवलोकन नहीं मिला हुआ है निधन के प्रारूप में। तो हमारे बच्चे जन्म 1 जनवरी 1950, जन्म स्थान पथरगामा गुड्डा झारखंड, जहाँ पर कि बिहार की बहुत बड़ी हस्ती है। झारखंड पहले बिहार और झारखंड दोनों में एक में था, आज खाद्यान्नों से जो है खाजानों से भरपूर हमारा झारखंड, हर तरह से झरिया, बोकारो, गिरिडीह, क्या नहीं बरौनी, क्या नहीं हमारा झारखंड में है। उस जगह से हमारे जन्म लिए थे, इनका जन्म स्थान था झारखंड। और बेटा याद रखना होगा हमारे बच्चे, माता और पिता, माता का नाम सरला देवी, सरल से सरल अवलोकन में हम याद कर सकते हैं, सरल से सरला देवी, और पिता देवेंद्र प्रसाद चौबे। चलिए, इनके पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे, याद हो गया, सरला देवी माँ का नाम और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। आइए बच्चे, शिक्षा, बड़े बड़े विद्वानों के जब एजुकेशन शिक्षा के बारे में हम लोग जीवन पर से आंकड़ा लगाते हैं, तो प्रेमचंद से लेकर हमारे रामधारी सिंह दिनकर से लेकर अन्य हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर बहुत बहुत बड़े विद्वानों की परिचय मिला हुआ है कि घर पर ही शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई है। जयशंकर प्रसाद का भी तो प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही इनकी मिली थी, गांव के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा, और बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। बीए और एमए की डिग्री अंग्रेजी विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय है, फिर ये हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने किया था हिंदी साहित्य में एमए की डिग्री। हमारे बच्चे ध्यान लेना है बेटा, और वृत्ति में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर, जो आज हमारे पूरे बिहार बीपीएससी जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर के कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य चलाए थे। ये हमारे ज्ञानेंद्रपति, जरा सोचना है कि ध्यान लेना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए, कितना बड़ा इस सामाजिक सोशल वर्कर कहा जाएगा, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए थे। फिर वे कविता लेखन में इनका कलम लेखनी में सार्वोर किए हमारे, और निवास वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका निवास माना गया है। जन्म स्थान और निवास वाराणसी और उत्तर प्रदेश में जो है इन्हें, और संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में, इनकी एक रचना है, बड़ा मशहूर रचना है, हमारे बच्चे नहीं जान पाते हैं, संशय आत्मा, जो कि गांव का घर, बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही सुंदर, अपने जो गांव का घर कविता जो प्रस्तुत किए हैं, तो ये इसी संशय आत्मा से ली गई है इनकी कविता। गांव का घर जो भारतीय संस्कृति, एक गौरवमयी संस्कृति रही है, क्या बुजुर्गों से लेकर आज तक से जो हमारे समाज में मान सम्मान रहा है,
गांव का घर आज भी, तो कवि उसमें अपना जो है बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की है। हम अगले वीडियो में बच्चे कविता के अर्थ को प्रस्तुत करेंगे। हमारे बच्चे ध्यान देना, तो संशय आत्मा के लिए इन्हें 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था हमारे ज्ञानेंद्र पति को। और पहला सम्मान इन्हें 2006 में मिला था। 2006 आइए बच्चे, कृतियाँ, कृतियाँ का अर्थ रचनाओं से है। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, कहानी से लेकर काव्य संग्रह का भी अवलोकन किए हैं हमारे ज्ञानेंद्र पति। तो बच्चे ध्यान देना है बेटा कि कृतियाँ आँख हाथ बनते हुए, आँख हाथ बनते हुए 1970 में इन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। और शब्द लिखने के लिए कागज बना है, देखना है कितना सुंदर, सब लिखने के लिए कागज बना है। 1980 में ये रचनाओं का अवलोकन किए थे। और बच्चे गंगा तट 2000 में इनकी रचना बन हुई थी, गंगा तट इन्होंने लिखे हैं। और संशय आत्मा तो क्या पूछना है, 2004 में लिखे हैं, जो अभी मैं बताया बच्चे, जो गांव का घर कविता संशय आत्मा से ली गई है, इनके संग्रह है काव्य संग्रह। और भिन्नसार 2006 में ये लिखी गई थी इनकी रचनाएं। और कवि ने कहा 2007 में, कवि ने कहा 2007 में लिखे गई है इनकी रचनाओं में। और कविता संग्रह, ये सब कविता संग्रह में हमारे बच्चे पढ़ने को मिला है बेटा। और एक चक्रानगरी काव्य नाटक भी ये लिखे हैं। और पढ़ते गढ़ते 2005 में, और गद्येतर गद्य शैली में हमारे ज्ञानेंद्र पति जी ने अपना बहुत ही भावात्मक शैली में इन्होंने रचनाओं को प्रस्तुत किया है। बच्चे ये हिंदी साहित्य के सृजन में बहुत ही अपनी अहम भूमिका अदा किए हैं। और बच्चे ये हमारे ज्ञानेंद्र जैसे महान कवि का इतिहास, परंपरा और स्मृतियों का ज्ञानेंद्र की कविता में एक अद्भुत रचाव बसाव है। कवि के रचना कर्म की जो भी रचनाएं हैं वो गुंजायमान हैं। और बच्चे गंगा तट जो हमारा रचना इनका आया है, तो इस गंगा तट नामक संग्रह के द्वारा अपने समकालीनों के बीच उन्होंने अद्भुत सृजनात्मक स्थैर्य और धैर्य प्रमाणता को दिखाया है। उनकी कविता का उत्स विकास विपुल प्रचुर मात्रा में बहु रूप से उल्लेखनीय है, और पाठक के मन में उत्सुकता बढ़ाने की जिज्ञासा है हमारे ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखित कविता गांव का घर। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।